ये है iPhone 12 mini जो कि मैंने सिर्फ 27,000 रुपए में खरीदा था अभी कैशिवाय से रिसेंटली। और भाई इस वाले फोन को हमने एक हफ्ता आराम से यूज कर लिया और अब आपको बताने जा रहे हैं कि क्या इस फोन के अंदर अच्छी चीजें और क्या इसमें बुरी चीजें हैं, क्योंकि भाई ये फोन 2020 में लॉन्च हुआ था, तो क्या आप लोगों को ये वाला फोन 2023 में लेना चाहिए, तुम्हारा भाई सब कुछ बताएगा। बट अगर आप लोग भाई पहली बार चैनल को बुला रहे हो तो डेफिनेट लाइक कर दो। और आज भाई हम लोग एम रख रहे हैं ऐसे मान लो 600 कमेंट्स का, ठीक है, जितने भी भाई पहले 600 कमेंट्स आएंगे उन सभी को भाई मैं सबको हार्ट दूंगा और भाई ऐसे हम लोग भाई सभी को रिप्लाई कर दूंगा। जल्दी से 600 कमेंट कर दो, कुछ भी कर सकते हो इस फोन से रिलेट मस्त कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है, 5 लाख जल्दी कंप्लीट करने। तो स्टार्ट करते हैं भाई सबसे पहली चीज से, इस फोन के साथ भाई हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब क्या लगा इस फोन को यूज करके। तो देखो भाई हम लोग आदत पड़ चुकी है अब बड़ी बड़ी चीज यूज करने, क्योंकि हम लोग ऐसे बड़े हो गए ना, समझो। बट ये जो फोन है ये है मिनी सीरीज का स्मार्टफोन। अब एप्पल ने भाई 12 मिनी जब निकाला तो इनका दिमाग ये चला था कि भाई ये फोन बहुत ज्यादा बिकेगा, बिकॉज लोगों को भाई कॉम्पैक्ट फोन पसंद आ रहे थे, जो आईफोन की एसी सीरीज थी ना वो बहुत ज्यादा बिक रही थी, तो उन्होंने सोचा एक हाई एंड पावरफुल स्मार्टफोन देते हैं एक छोटे फॉर्म फैक्टर में जो कि बिकेगा। बट हुआ क्या कि भाई आईफोन 12 मिनी आया तो उसकी बैटरी लाइफ में थोड़ी गड़बड़ाहट थी। उसके बाद जब आईफोन 13 मिनी आया उसकी बैटरी लाइफ इंप्रूव हो गई, लेकिन फिर भाई लोगों को उससे प्यार ही नहीं हुआ, क्योंकि भाई इससे ही नहीं प्यार हो पाया था उनको, तो लोगों का ना भाई बड़ा अजीब सा सिस्टम रहता है, बहुत तेज हो रहा है, तो इसलिए भाई एप्पल ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। मैं तो टूट गया, हाँ भाई निराशा थी। फिर उसके बाद भाई प्लस सीरीज निकाली अभी पिछले साल, आप देखते हैं ये कैसा रहता है, ये डिसकंटिन्यू होता है नहीं होता। बट मजाक की बात साइड में, जो 12 मिनी है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, और मैंने ना जब भी इसको यूज कराया जितनी बार भी मिनी सीरीज को यूज कराया मुझे ना बहुत ही अलग वाइब देते हैं। पहली चीज जब आप लोग 12 मिनी उठाओगे तो इसके अंदर जो आपको सबसे पहली चीज लगी वो है कितना क्यूट है यार ये। अब क्यूट इन द सेंस ये कि ना काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि जब मैं इस प्यारे फोन को इस अपने बड़े महाबली फोन से युद्ध में लड़ाता हूं तो आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा छोटा लगता है ये मेरे 14 प्रो मैक्स के सामने, और ये सच में बहुत क्यूट सा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको एक और धुरंधर से लड़ाऊं जो कि आईफोन एसी, ये वाला आजकल भी लोग इसे लेते हैं एसी को ना, तो अगर इसको मैं साइड बाय साइड रखूं आप लोग देखते हो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही साइज है, बट जो डिस्प्ले है ना आप लोगों को वो मिलती है ज्यादा बड़ी हमारे 12 मिनी में। इसमें 5.4 इंच की डिस्प्ले है जबकि हमारे को एसी के अंदर 4.7 इंच की मिलती है। ये आउटडेटेड डिजाइन है बट वहीं पे एप्पल ने इसके अंदर जो है डिजाइन बहुत ही इंप्रूव कर दिया, आपको पूरा रेक्टेंगुलर बॉडी देखने को मिलती है एंड ये डेफिनेटली आपको पूरा पूरा लुक देगी जो आप प्रो मैक्स 14 से ले सकते हो। देखो सेम बॉडी शेप है ना, सेम टू सेम वैसी मिलती है। इसमें एल्युमिनियम बॉडी यूज करी गई है, वैसे इसमें स्टेनलेस स्टील आती है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा बस एक बता रहा हूं। डिजाइन वाइज मैं बोलूंगा फोन देखो यार बहुत सब्जेक्टिव है कि आप लोगों को लेना है नहीं लेना है, एक बहुत अजीब चीज है, किसी को पसंद आ सकता है किसी को नहीं पसंद आ सकता। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं अगर मेरे पास होता ऑप्शन तो मैं ये नहीं लेता, क्योंकि मेरे को डिस्प्ले बड़ी वाले फोन पसंद है। लेकिन जैसे कि अनिवेश है, अनिवेश को ये फोन पसंद आ रहा है, और वो रीजन क्या अनिवेश? वो मुझे इसलिए पसंद आ रहा है क्योंकि जब कॉल करते हैं तो ये भारी फोन है, प्रॉब्लम होती है लंबे समय तक। मतलब अनिवेश कह रहा है कि ज्यादा लंबे समय तक कॉल पे बातें करता है, समझ लो। बट रही बात नॉर्मल सी कि ना ये फोन सच में कॉम्पैक्ट है। अगर आप लोगों के पास एक बड़ा फोन यूजुअली है, जैसे मैं अगर मान लो 14 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूं और मुझे एक सेकेंडरी फोन चाहिए, तो वहां पे भाई मेरा जो 12 मिनी है बहुत अच्छे से काम में आ सकता है, क्योंकि देखो दोनों को मैंने ऐसे रखा और मैं इजी दोनों फोनों को स्लाइड इन कर सकता हूं। जैसे कि आप लोगों को ना पता हूं, मैं सच में अभी भी दो फोन यूज कर रहा हूं, मेरे पास एक फोल्ड है, तो अभी इन दोनों को कैरी करना फोल्ड और प्रो मैक्स को तो भाई सर दर्द हो जाता है। बट वहीं पर अगर मेरे पास ऐसे ऑप्शन होता तो मैं 12 मिनी यूज करता ना तो काफी ज्यादा सही रहता। अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग डिपेंड करता है, तो मैं बस ये चीज आपको क्लियर कर रहा हूं। बट डिजाइन से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम टू सेम 12 वाले डिजाइन है तो कैसे टेंशन नहीं। अब एक और मेजर चीज की बात करते हैं, वो है भाई डिस्प्ले। अब भाई ऑब्वियसली जब फॉर्म फैक्टर छोटा है डिस्प्ले भी छोटी जाती है। 5.4 इंच का इसके अंदर हमारे को XDR OLED पैनल देखने को मिलता है जो कि 60 हर्ट्ज सपोर्ट करता है रिफ्रेश रेट, जो भाई ऑब्वियसली आप लोगों को लगा भाई ये तो थोड़ा सा अजीब सा है। देखो मैं क्या ही बोलूं, जिसने 60 हर्ट्ज वाला आईफोन चलाया उनको तो प्यार होता है भाई, इससे भी मैं क्या ही बोलूं। बट हां इसमें 60 हर्ट्ज का पैनल है। अभी एक OLED पैनल है तो आपको जो कलर्स मिलते हैं, जो ओवरऑल सैचुरेशन मिलती है भाई, वो टॉप ऑफ द लाइन की, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे भाई इसके अंदर हमने अलग-अलग टाइप्स की वीडियो प्ले करी। ओए ये तो हम ही प्ले हो रहे हैं, क्या बात है, सब्सक्राइब करो जल्दी से। नहीं नहीं सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमने एक 4K HDR 60 FPS वाली वीडियो यहां पे प्ले करी YouTube के ऊपर, एंड अगर मैं क्लिक करता हूं तो इजीली भाई ये वाली वीडियो को प्ले कर लेता है, मतलब कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है इस वीडियो को प्ले करने में। आप लोग कलर्स भी देख सकते हो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही बात आती है कि ये डिस्प्ले छोटी बहुत है, तो आप लोगों को कंटेंट वॉचिंग जो इसके अंदर उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं हो पाएगी, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी के मामले में बढ़िया ही है। एक मेजर इशू जो मुझे पर्सनली लगता है इस मिनी को यूज करने का, पता है वो क्या है? जैसे कि ना मैं अगर कुछ टाइप कर रहा हूं तो मेरे जो थंब है ना वो बहुत क्लोज हो जाएंगे, मतलब ना जैसे हम लोग टाइप करते हैं नॉर्मली हेलो गाइस कैसे हो, देखो अब हो गया ना थोड़ा सा। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो मुझे लगती है कि डिस्प्ले के अंदर थोड़ी सी विड्थ होती तो अच्छा रहता, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लोग इसके भाई इसको देखते हैं देखो कितना ज्यादा बड़ा फर्क आता है। अब आदत हमें इस पे टाइप करने की है और उसके बाद अगर इस पे शिफ्ट होंगे तो अजीब लगेगा। बट हाँ अगर किसी को भाई इस वाले फोन को यूज करने की आदत जैसी, इसके अंदर भी आपको सेम वही फील मिलेगी जो आपको 12 मिनी में मिलेगी, ज्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा। ये भाई मैं अपना रिव्यू दे रहा हूं तो इसलिए हर एक चीज आपको मैं एक एक डिटेल बता रहा हूं। अब एप्पल के फ्लैगशिप फोन से हमारे को एक चीज बहुत ज्यादा पसंदीदा लगती है, वो है भाई आईपी रेटिंग। इस फोन के अंदर भी हमारे को IP68 की रेटिंग मिलती है, मतलब कि अगर ये फोन पानी में गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आराम से फोन चलेगा और आप लोग ऐसे अंडर वाटर सेल्फीज ले सकते हो स्विमिंग करते हुए, समझ रहे हो? समझ रहे हो?
एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा आपको क्लोजअप शॉट के अंदर, ये जो फोन है इसके अंदर ना हमारे को सेरेमिक शील्ड देखने को मिलती है। अब सेरेमिक शील्ड लोग बोलते हैं कि ना प्रोटेक्शन जो होती है तो तगड़ी देती है, लेकिन जो स्क्रैचेस में ज्यादा जल्दी लगते हैं। अब ये फोन हमने रिफर्बिश लिया था, इस फोन की जो कंडीशन है यार बहुत ज्यादा सही है, मतलब कोई भी ऐसे आप देख सकते हो स्क्रैचेस इसमें नहीं देखने मिलते। ये मेरे को प्लस पॉइंट लगा कि यहाँ पे सेरेमिक शील्ड ने इतना होल्ड करा हुआ है। और ये फोन भाई 2021 में बंदे ने बाय करता जिसका भी होगा, हमने 3D Tools लगा के देखा था। अब मुझे पता है आप लोग भाई वेट कर रहे हो कि भाई इसके अंदर परफॉर्मेंस का क्या है, अंदर पावर कितनी है इसके अंदर। तो भाई सीन ऐसा है कि हमने इसके अंदर Antutu रन करा, हमने इसमें Geekbench रन करा, हमने इसके अंदर BGMI रन करी। हाँ भाई दुख हुआ BGMI देखते हुए इतनी छोटी स्क्रीन पे खेला नहीं जा रहा था मुझसे, बट हाँ जब हमने भाई परफॉर्मेंस टेस्ट करी तो इसमें हमारे को जो प्रोसेसर मिलता है A14 Bionic वो भाई बहुत पावरफुल है। आजकल के टाइम पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। Antutu के अंदर 7.5 लाख का स्कोर आया जो कि भाई काफी ज्यादा तगड़ा रहता है। वहीं पर अगर हम लोग BGMI की बात करें तो हमने जब खेली ना तो भाई मैक्स सेटिंग सपोर्ट करता ही है अपने मस्त एक्सट्रीम वाली 60 FPS में, लेकिन डिस्प्ले इतनी छोटी है भाई, चलती नहीं है गेम ढंग से इसमें। तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। इवन हमारे प्रो गेमर साहब ने बोला था आजकल छुट्टी पे कि भाई इसकी डिस्प्ले सच में छोटे, गेम खेलने के लिए अगर आप लोग ऐसे 4 फिंगर खेलो तो दिक्कत आती है। एंड इवन जो फोन है यहाँ से ना जब आप लोग गेम खेलते हो तो यहाँ से जो है हीट करने लग जाता है, मतलब हीट नहीं बोलूंगा एज इन गर्म होने लग जाता है। ऑब्वियसली जब आप लोग भाई गेम खेलो तो आपने फोन ऐसे पकड़ा हुआ, आपकी बॉडी की भी हीट है, फिर फोन की भी हीट है, तो वो ट्रैप हो रही होती है, वो स्प्रेड नहीं हो पाती क्योंकि सरफेस एरिया इतना बड़ा नहीं है। मतलब बहुत टेक्निकल चीजें, ऐसे मैं इंजीनियर हूँ ना, फोन ही लेकिन तो जैसे देख सकते भाई मैं कितना बड़ा प्रोग्रामर हूँ और मैं भी इस पे नहीं खेल पा रहा क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा छोटी डिस्प्ले है। इस पे खेलने के लिए तो भाई प्रो नहीं एक्स्ट्रा प्रो लगेगा भाई बंदा। अरे 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 मर जाऊंगा, उसकी अगर एक कनेक्ट हुई ना तो मैं गया। So, जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इसके ऊपर गेम खेलना, तो ये डेफिनेटली गेमिंग फोन नहीं है। बट हाँ परफॉर्मेंस और पावर की अगर बात करो तो पावर पूरी है, कुछ भी और काम करो गेमिंग के अलावा तो ये फोन भाई बीस्ट है उस मामले में। तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए भाई लोग आईफोन लेते हैं, वो है भाई जैसे चमकाने के लिए भाई लोग लेते हैं कैमरास के लिए। तो भाई इसके अंदर हमारे को 12+12 MP का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, एक वाइड और एक अल्ट्रा वाइड है। हमने भाई इससे ना काफी डिफरेंट डिफरेंट स्नैप्स में फोटोज क्लिक करके आप लोग देखते हो, इंडोर भी है आउटडोर भी, शॉट्स अलग अलग ले रखे हैं, लो लाइट के अंदर भी है। आपको शॉट्स ना कुछ उसी तरीके देखने मिलते हैं जो हमने हमेशा चेक करें हैं जो इनसे आते हैं, जिसके हमने देखा होगा भाई इसकी स्किन टोन रहती काफी अलग सी रहती है, अजीब सा कर दे चॉकलेटी, तो वही सेम चीज अभी भी हो रही है इसके अंदर। पीछे का जो आप लोग डायनेमिक रेंज कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्चर करता है अलग अलग फोटोज के अंदर, कभी अच्छे से कैप्चर हो जाती है कभी नहीं होती है, पीछे का स्काई को ब्लोन आउट कर देता है। तो ये एक थोड़ा सा है जो हमने नोटिस करा, बट ओवरऑल मैं बोलूंगा कैमरा पावरफुल है डेफिनेटली। एंड 4K 60 FPS का वीडियो में सपोर्ट मिलता है तो आप लोग यहाँ पे सैंपल देख सकते हो, डेफिनेटली भाई बढ़िया है। एंड इवन इसके अंदर जो है ना हमारे को बढ़िया वाली स्टेबिलाईजेशन मिल जाती है। और अगर आपको भाई इससे करनी है व्लॉगिंग तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट व्लॉगिंग सेटअप बन जाता है क्योंकि भाई फोन बहुत ही हल्का है, आप लोग देख सकते हो क्वालिटी भी काफी ज्यादा बढ़िया आती है। 60 FPS के अंदर आप लोगों ने व्लॉग शूट करो, बहुत ज्यादा छोटा है मस्त तरीके से। एंड ये इसके बैक कैमरा की क्वालिटी है, अगर आप लोग व्लॉग करना चाहते हो कुछ तरीके का, ये पीछे आपको अल्ट्रा वाइड का सेटअप मिल जाता है तो काफी सही है, मतलब व्लॉग करने के लिए बहुत बढ़िया क्योंकि हल्का बहुत है फोन। हमेशा कहना है कि भाई 30,000 रुपए इस फोन में लगाओ और उसके ऊपर पावर बैंक ले लो मस्त 3,000 रुपए का 2,000 रुपए का, आपका बढ़िया व्लॉगिंग सेटअप डन है। मतलब हाँ डेफिनेटली फोन कैमरा वाइज अच्छा है, व्लॉग करना चाह रहे हो वीडियो बनाना चाह रहे हो भाई बेस्ट है मेरे हिसाब से। एक और मेजर पॉइंट भाई ये फोन जो है ना 5G सपोर्ट करता है और आप लोग 5G सिम डाल के इसमें चला सकते हो, लेकिन हमारे साथ एक और पोपट हो रखा है, वो पता नहीं क्यों ज्यादा आईफोन में देख रहा हूँ हो रहा है हमारे साथ कि ना हमारे आईफोन में 5G चल नहीं रहा है इंडोर इधर, जबकि मेरा अगर मैं देखूं तो मेरे i14 Pro Max में चल रहा है 5G बट इनमें नहीं चल रहा। और यही सेम अगर मैं दूसरे किसी एंड्रॉइड फोन में डाल दूं तो 5G चल जाता, पता नहीं क्या सीन है। और सब जबकि 5G अभी सब ऑन है, LTE आ रहा है, बट हाँ ये है कि आपके एरिया में 5G है, अगर आप ये वाला फोन ले तो आप लोग 5G का लुत्फ उठा पाओगे, तो आप लोग फ्यूचर प्रूफ भी हो एक तरीके से आईफोन 12 लेने के बाद या फिर 12 मिनी लेने के बाद। आज डेट है भाई 30 अगस्त और आप ये वीडियो देख रहे हो मोस्ट प्रोबेबली 31 अगस्त को, और अभी इस टाइम पर 5:30 बज रहे हैं, फोन हमारा इस टाइम पर 93% की बैटरी पे है। तो मैं क्या करने वाला भाई इस फोन को पूरा ड्रेन करने वाले हम लोग अराउंड 5% तक, और आपको इसी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि ये फोन लाइक कितना चला और कितना इसने SOT दिया है हमारे को, क्योंकि इसकी जो बैटरी हेल्थ है अगर आप लोग पास देखो तो पूरी 100% पे है, लेकिन आपको भाई कहीं नहीं जाना, आपको एक ही वीडियो में सब पता चल जाएगा। लो सो आज है भाई नेक्स्ट डे और 7:43 हो रहे हैं इस टाइम पर, और भाई हमारी जो बैटरी है वो आ चुकी है 13% पे। और आप सोच रहे हो भाई फोन कितना देर चला, अब ये है भाई देखो रियल वर्ल्ड टेस्ट, हमने जब फोन को अच्छे से चलाया बेसिकली हम लोग चेक कर रहे थे कि भाई हैवी टास्क के अंदर ये फोन कितना हमारे को बैटरी लाइफ दे देगा, क्योंकि नॉर्मल टास्क तो फिर पता चली जाएगा ना। तो इसने हैवी टास्क हमने भाई बैटल ग्राउंड इसमें खेली काफी देर तक, Antutu बेंचमार्क इसमें रन करा 18% हमने इसमें यूट्यूब देखा, उसके बाद हमारे को जो स्क्रीन ऑन टाइम मिला है वो है 1 घंटा 50 मिनट का लगभग। तो इससे ये पता चलता है कि ये फोन 3 घंटे का अप्रोक्सीमेटली आपको SOT देगा, मतलब ठीक है देखो मिनी फोन है छोटी बैटरी है तो उस हिसाब से 3 घंटा मैं बोलता हूँ ठीक है। और जो छोटी छोटी चीजें होती है फोन के अंदर अच्छी होनी आईफोन में, अगर आप देखो तो फेस आईडी भाई इसके अंदर बढ़िया चलती, कोई दिक्कत नहीं है। नॉच आपको थोड़ी सी बड़ी देखने मिलती है फेस आईडी क्योंकि इसमें वाली जनरेशन की है, बट ओवरऑल भाई मेरे को ना फोन सच बताऊं एट द एंड में आपको बोलना चाहूंगा मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन वही सेम चीजें अगर आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो साइज के ऊपर बैटरी के ऊपर थोड़ा हीटिंग के ऊपर तो भाई डेफिनेटली आपके लिए। अगर लेकिन आपकी डिमांड ही है कि आपको एक छोटा फोन चाहिए कॉम्पैक्ट चीज जिसकी बैटरी भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पावर बैंक कैरी कर लेते हो, क्योंकि मैंने देखा है काफी लोगों को भाई छोटा फोन रखने की आदत होती है। एंड इवन ऐसे बहुत लोग हैं जिनको भाई पसंद है मिनी सीरीज, ऐसा नहीं कि भाई किसी को नहीं पसंद
पसंद आई, बहुत लोगों को पसंद भी आई है, लोग यूज कर रहे हैं और लोग निराश भी हैं। तो उन लोगों के लिए भाई 12 मिनी अगर आप लोगों को ऐसे शौक है कि आपको कॉम्पैक्ट फोन ही चाहिए तो भाई ये वाला फोन आप लोग ऐसे सेकंड हैंड उठा सकते हो, रिफर्बिश उठा सकते हो, बट देख के उठाना, हम लोगों ने वीडियो बना रखी है और आपको एडवांटेज दे ही देगा। तो बस यार यही थी वीडियो, फोन डेफिनेटली अच्छा है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो डेफिनेटली लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।